प्रदेश में लगातार बढ़ रही हत्या की घटनाओं और मंदसौर और बड़वानी में हुई भाजपा नेता की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अब आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश में भाजपा नेताओं पर हो रहे हमलों और हत्या के लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद इस तरह के अपराध बढ़े हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने तो यहां तक कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तभी से नक्सली गतिविधियां भी बढ़ी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में कार्यकर्ताओं की हत्याओं को सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जैसे हमले हो रहे हैं ये सुनियोजित दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे मामलों की जांच करें और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन एक दिन भी नहीं बीता और एक और हत्या हो जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, गृह मंत्री के निवास के पास यह हत्या हो रही है और सरकार मौन और खामोश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने पहले ही कहा था कि ऐसी घटनाओं पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। मन में दुख भी है और गुस्सा भी है। जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है वक्त बदलाव की बात करती थी, लेकिन ये कैसा बदलाव है। हत्याओं का दौर शुरू हो गया। इंदौर में हत्या, उसके बाद मंदसौर में हमारे नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद हमारे बड़वानी जिले के बलवाड़ी के मंडल अध्यक्ष की हत्या मनोज ठाकरे जी की। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि सरकार इन मामलों को बहुत सतही स्तर पर ले रही है। वहीं इस मामले को लेकर छिड़ी बहस और विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने उल्टा भाजपा को ही इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि यह भाजपा नेताओं के ही आपसी विवाद हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर इनका आपसी वैमनस्य है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे बड़वानी की हो चाहे मंदसौर की, ये इनके आपसी द्वंद चल रहे हैं। 15 सालों में जो कुछ इन्होंने इकट्ठा किया था उसकी द्वंद्वता का मामला है। वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने इन हत्याओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेताओं की हत्या करने वाले अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि इसको पार्टी के आधार पर अपराध को बांटने की कोशिश करती है। हम नहीं करते। अपराधी अपराधी होता है। जिसके साथ, जिसके मंसूर की घटना हुई या बड़वानी की घटना हुई, हम सोचते हैं हमारे मध्य प्रदेश के परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ अपराधी कोई हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे जैसी भी कानून अपनी व्यवस्था देता है, सिर्फ न्याय की देता है। हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस की सरकार हमेशा न्याय करती है। आप चिंता नहीं करें, जल्दी से अपराधी पकड़े जाएंगे। उसके पीछे ये टेक कि ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का, हम नहीं देखते। हम सिर्फ न्याय करना चाहते। कुल मिलाकर प्रदेश में हुई नेताओं की हत्या के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी की है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं और मंत्री अपना स्वागत करवा रहे हैं। अब देखना होगा कि अपराध पर नकेल कसने के लिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार किस तरह के कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।